हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आप जो है आज मुझे काफी चिपकू से देख रहे होंगे, बिकॉज आज है सैटरडे नाइट। एंड सैटरडे नाइट को मैं काफी ऑयलिंग करती हूं, सारे कान के उतारती हूं, जस्ट अभी मुझे चैन भी उतारना है। तो मैं सैटरडे नाइट में अपने आप को काफी फ्री कर देती हूँ, यानी कि ये सारी ज्वेलरी मुझे, मतलब कभी सैटरडे नाइट ना बोलूं तो कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं सारी चीजें उतार के जस्ट बिल्कुल फ्री हो जाऊं। तो मोस्टली ऐसा सैटरडे नाइट को ही होता है मेरे साथ। तो मैं ऑयलिंग करती हूँ उस दिन काफी अच्छे से। जैसे लोग काफी क्वेश्चंस आ रहे थे जो मैंने लास्ट वीडियो डाला था कि सुगम आपके बाल काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, काफी घने हो रहे हैं, तो आप ऐसा क्या अप्लाई कर रही हो, तो उसका भी वीडियो मैं बहुत ही जल्दी लाने वाली हूँ कि मैं कौन सा ऑयल इस समय लगा रही हूँ। और यकीन मानिए, इस ऑयल ने मेरे बालों पे मैजिक किया हुआ है। और मैं वीक में 3 टाइम ऑयलिंग करती हूँ अपने हेयर पे। अभी मुझे अपने नेल्स जो है वो भी अच्छे से नेल पॉलिश निकालनी है। मैं अपने नेल्स बड़े नहीं रखती हूँ, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जानते हैं बहुत छोटे हो जाते हैं, मैं उसके बाद मैं फिर कट कर लेती हूँ। तो मुझे अपनी नेल पॉलिश भी रिमूव करनी है। तो सैटरडे नाइट है, अपने लिए होता है। तो लेकिन फिर भी बॉडी, चाहे सैटरडे हो, संडे हो, सब कुछ हो, वेट मैनेजमेंट मैं हर टाइम देखती हूँ। तो जस्ट अभी नाइट थी और मैंने सोचा मैं अपना ड्रिंक बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा आप लोग साथ भी शेयर करती हूँ। और ये जो ड्रिंक की बात आती है कि इतने सारे ड्रिंक मैं कैसे एक साथ पीती हूँ, तो इतने सारे ड्रिंक मैं कभी भी एक साथ नहीं पीती हूँ। मैं हमेशा 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन 1 महीने अपनी बॉडी पे ट्राई करती हूँ, देन वो वर्क करता है, फिर उसके बाद आप लोगों से बताती हूँ। तो इस ड्रिंक को लेते हुए मुझे 10 दिन हो गए हैं, मैजिक रिजल्ट किया है इसने मेरी बॉडी पे। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है जब हम एक एज में आते हैं, या फिर हमें थायराइड होता है, या फिर हमारी आफ्टर डिलीवरी होती है, या फिर किन्हीं भी हार्मोनल इम्बैलेंस है, वो चाहे आप 15 के हो, 10 के हो, 12 के हो, 20 के हो, 40 के हो, 60 के, किसी भी एज में हार्मोनल प्रॉब्लम आपको हो सकती है, ठीक है। तो जब आप हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, या फिर आपको वेट नहीं घटता है, या फिर आप बहुत लगातार 1 महीने में आप 10 से 12 किलो वेट गेन करते हो, तो क्या होता है, आपकी बॉडी खाना स्टोर करना शुरू कर देती है। यानी कि आपका लीवर अच्छे से वर्क कर नहीं कर रहा होता है, आपका डाइजेशन अच्छे से वर्क नहीं कर रहा होता है, बॉडी गंदगी को बाहर नहीं निकालती है। यानी कि आपके बॉडी में जो गंदगी जमा हो रही है, जो विषैले पदार्थ जमा हो रहे हैं, वो बाहर नहीं निकल सकते। मान लीजिए कोई ग्लास है, आप उसे चाहे जितना भी गर्म पानी से वॉश करो, चाहे कितना भी अच्छे से साफ करो, नहीं साफ हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, उसमें लगातार गंदगी जमती जा रही है, और उसकी एक ना एक दिन उसकी लेयर जम के आपको बहुत अच्छे से शो होने लगेगी। जस्ट यही हमारे साथ भी है कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से, एज बढ़ने की वजह से, आफ्टर डिलीवरी की वजह से हमारी बॉडी भी ऐसे ही करती है कि वो विषैले पदार्थ नहीं निकाल पाती है। इवन जो लोग वेट लॉस की जर्नी में भी होते हैं, या बहुत कुछ कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तब भी उनका वेट लॉस नहीं होता है, ऐसा मैंने बहुत लोगों के साथ देखा। और जो जंक फूड खाते हैं उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, उनकी तो बॉडी से वो निकलते ही नहीं है। तो आज का ड्रिंक जो है वो मैजिकल वर्क करेगा, आपकी बॉडी से विषैले पदार्थ निकालेगा, जितनी भी गंदगी है उसे बॉडी से पूरी तरह से वॉश आउट कर देगा। यानी अगर आपने अभी इस ड्रिंक को लिया, तो मान के चलिए 6 to 7 hours आपका पेट तुरंत क्लीन हो जाएगा। यानी कि इस ड्रिंक को लेने के बाद आपको जो आपका फ्रेशअप का टाइम है वो दिन में एक बार नहीं रह जाएगा, वो 2 to 3 times हो जाएगा। बिकॉज, और ऐसा सिर्फ आपके साथ 3 to 4 days होगा, हमेशा नहीं होगा कि आप हमेशा ऐसा करो, लेकिन आपका जो फ्रेशअप का टाइम है वो 4 दिन तक, आप 3 to 4 times कभी 5 times भी हो जाएगा। और घबराइएगा नहीं, मत ये सोचिएगा कि मुझे लूज मोशन हो रहे हैं, ये आपकी बॉडी गंदगी को बाहर फेंक रही है। और उसके बाद मैजिक देखिएगा कि जो लोग वेट आके रुक गया है, 60 से कम नहीं हो रहा है, जो मेरे पास मैसेज आते हैं, जिम ज्वाइन कर रहे हैं, जिम भी कर रहे हैं, वेट नहीं जा रहा है, लेकिन अगर इस रेमेडी को आप ट्राई करेंगे तो पसीना आप देख रहे हैं कितना रहे, बिकॉज किचन है, गर्मी बहुत ज्यादा है। तो इस ड्रिंक को अगर आप ट्राई करेंगे तो वेट, पहली बात तो बॉडी गंदगी निकालना स्टार्ट करेगी और वेट बहुत तेजी से घटे, यानी कि आप वेट लॉस के प्रोसेस में आ जाओगे और आपका वेट डे बाय डे लेना घटना स्टार्ट हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, इस ड्रिंक को सिर्फ 15 दिन से ज्यादा आपको नहीं लेना है। देन उसके बाद फिर आपको लगे कि आपकी बॉडी पे गंदगी जमा हो रही है, देन आप फिर 10 दिन रेस्ट करने के बाद इस ड्रिंक को फिर लेना स्टार्ट कर दें। ये ड्रिंक आपको लेना कब है, रात में लेना ही लेना है,
मॉर्निंग में नहीं लेना है खाली पेट, वरना लूज मोशन इतने तेजी से स्टार्ट हो जाएंगे कि आप इसे संभाल भी नहीं पाओगे। आपको दोपहर में लेना है, दोपहर के खाने के बाद लेना है, दो टाइम लेना है, एक रात खाने के बाद, एक दोपहर के खाने के बाद। तो इतना ज्यादा लंबा चौड़ा लेक्चर दे दिया है, तो आप भी सोच रहे हैं क्या है, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जिन भी लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, और एक छोटी सी बेल आइकन लगी है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो फ्रेंड्स, इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको एक पैन में एक ग्लास पूरा भर के पानी लेना है। उसके बाद जो हमारा इंग्रेडिएंट होगा वो है 1 स्पून काली जीरी। काला जीरा नहीं लेना है, काली जीरी आता है मार्केट में, ये ले लीजिएगा, मार्केट में इजीली मिल जाएगा आपके लोकल, मतलब जो आपके अड़ोस पड़ोस जनरल स्टोर की शॉप हो वो लेना है। देन उसके बाद आपको इसमें डालना है 2 टेबल स्पून त्रिफला चूर्ण। खाली पेट बिल्कुल मत लीजिएगा, वरना लूज मोशन ऐसे आएंगे कि आप रोक नहीं पाएंगे। मैं डबल कट त्रिफला चूर्ण ले रही हूँ, आप पतंजलि का किसी का भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ पे कोई कंपनी प्रमोट कर रही हूँ, तो आप किसी का भी ले सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करिए और इसे 2 से 3 मिनट आपको धीमी आंच पर पकने देना है। बिल्कुल भी नहीं है कि इसे जल्दीबाजी में आपको बनाना है। एक बार आपको रात में लेना है, एक बार सुबह लेना है। तो इसे ऐसे ही पकने दीजिए 2 to 3 मिनट्स, यानी कि काले जीरे के एक्सट्रैक्ट आ जाए और त्रिफला भी अच्छे से फूल के अपना एक्सट्रैक्ट इस पानी में। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, यानी कि ये पूरा जो ड्रिंक है बनके रेडी है। तो आगे दिखाती हूँ कि इसे कैसे लेना है। ऑलरेडी मैंने कैसे लेना है वो बता दिया, लेकिन इसे कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद गैस को ऑफ करिए और इस पूरे वाटर को आपको स्ट्रेन करना है। ये ड्रिंक आपका रेडी है, हल्का सा ठंडा होने दीजिए, यानी कि गुनगुना आपको पीना है, इतना गर्म नहीं पीना है। तो जिस आप खाना खा रहे हो उसी समय इसे चढ़ा दीजिए, और खाना खाने के 15 से 20 मिनट बाद आप इसे ले सकते हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जब आप इसे लेंगे तो हो सकता है मॉर्निंग में 4 बजे 5 बजे आपको फ्रेशअप होने का टाइम हो जाए, यानी आपको पॉटी बहुत तेज से आए। ऐसी भी शिकायत मैंने सुनी है कि लोगों को कभी भी लोग जबरदस्ती पॉटी करने जाते हैं, उनको लगती नहीं है, तो ये उसकी भी शिकायत को दूर करेगा। दिन में 4 से 5 बार 4 दिन तक आपको हो सकता है लगातार जाना पड़े। एक बार इसे ट्राई करिए और मेरे साथ इसका रिव्यू जरूर शेयर करिएगा। आपके जो भी फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स हों उनके साथ भी ये वीडियो मेरा शेयर कर सकते हैं। बहुत आसान है, हर लोकल मार्केट में अवेलेबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऑनलाइन परचेज करना है। तो एक बार मेरे कहने से जरूर ट्राई करिएगा, और जो हमारी पुरानी दादी नानी है वो तो इसके बेनिफिट्स जानती ही हैं। वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।